हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि डायनेमिक सम कैसे किया जाता है। अगर आपके पास कुछ इस तरह से डेटा है, ठीक है, और आप चाहते हो कि मुझे जो इंग्लैंड का जो डेटा है वो पूरा जितना टोटल सम है, इसमें जो डेटा है पूरे 10 साल का डेटा है, पूरा 10 साल का टोटल सम यहाँ पे इंग्लैंड लिखते हैं, यहाँ पे टोटल रन लिख के आ जाए, तो सबसे आसान जो तरीका है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले डेटा को इस तरह से सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला बार में जाओगे, उसके बाद यहाँ पे आता है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, इस पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ टॉप रो पे टिक लगा हुआ है, अगर नहीं लगा हुआ है तो आप लोग टिक कर दोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेंज, जो डायनेमिक रेंज बनेगा ना, वो इन नामों से बन जाएगा, श्री ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बांग्लादेश, इस नाम से बन जाएगा। तो देन ओके बटन पे हम लोग क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप कुछ नहीं करना है, सीधा यहाँ पे आना है इक्वल टू सम, ठीक है, और लिखेंगे यहाँ पे इनडायरेक्ट, ठीक है, और इस पे क्लिक कर देंगे, देन ब्रैकेट क्लोज, फिर दोबारा से ब्रैकेट क्लोज, और एंटर मारोगे तो देखो इंग्लैंड का टोटल रन निकल के आ चुका है। एक बार हम मैच कर लेंगे, सिलेक्ट कर लोगे तो देखो यहाँ पे नीचे देखो 5716 आ रहा है, और यहाँ पे यहाँ भी हमारा 5716 आ रहा है, ठीक है। अगर इसी तरह से इसका नाम चेंज कर दिया जाए, बांग्लादेश कर दिया जाए BAN, तो तुरंत देखो बांग्लादेश का निकल के आ गया। तो ये सबसे आसान तरीका है सम निकालने का, अगर आपके पास कुछ इस तरह से डेटा है, ठीक है। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, और इसी तरह से इंटरव्यू, बेसिकली मैंने जो आपको बताया है ना, ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये इंटरव्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि कैसे इस तरह से सम किया जाता है। तो ये सबसे सिंपल और सबसे आसान तरीका है निकालने का, अगर आपके पास कुछ इस तरह से डेटा है तो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।